पूरी दुनिया है इधर जी। हेलो 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 सुपर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है बिकॉज़ एक तो क्रिकेट फैन है, दूसरा जब इंडिया ने वो 83 का वर्ल्ड कप जीता था तो हमने सुना था, देखा था, लेकिन वैसा नहीं देखा। लेकिन अब ये अगर ऐसा दिखाया गया और जो हमने सुना है कि इट इज लाइक अ प्रॉपर हिस्ट्री कैसे रिपीट हुई और क्या हुआ था एग्जैक्टली, हर एक मोमेंट है और सब कुछ है, वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड। ट्रेलर इतना अमेजिंग है तो फिल्म कितनी अमेजिंग है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये रीजन है आज हम यहां हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन दिस मूवी, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर? आई थिंक एवरी सिंगल वन, एवरीवन हु एवर कंट्रीब्यूटेड फॉर दैट विक्ट्री। आई थिंक किसी भी टीम में या किसी भी विक्ट्री के लिए एक टीम एफर्ट होता है तो पूरी टीम का एफर्ट होता है। ऑफ कोर्स रणवीर सिंह को देखने के लिए आए हैं डेफिनेटली, बट एवरीबॉडी इज इम्पॉर्टेंट, तो पूरी टीम को देखना है और जो हमने सुना है और जो हमने ट्रेलर में देखा है, एवरीबॉडी इज टू गुड, सो वी आर एक्साइटेड। सो दिस ईयर इज गोइंग टू एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, सो हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2023? एग्जैक्टली, ऐसे बाहर आए, बाहर निकलें और हर फिल्म थिएटर में देखें, यही हमारी मंशा, यही उम्मीद है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। साथ में आ जाओ, सर आ जाओ। नहीं, 83 का ट्रेलर आ चुका है, काफी ज्यादा धमाका हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे मूवी के बारे में बताएं। सो आई हैव बीन, मेरी मॉम ने मेरे को पता एक चीज बोला बोलने के लिए। So my mom is a mad fan of cricket, and she told me that she's seen the 83 World Cup with her, like, you know, my Nana ji and all, and she's lived that moment. So for me to witness it becoming a film, again, you know, I uploaded a photo saying the landmark moment for Indian cricket becomes the landmark moment for Bollywood history. I think that is coming true now for us. I think. मुझे ये feel हो रहा है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण और ज़्यादा पैसे कमाएंगे और ज़्यादा रिच हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली द फिल्म इज ग्रेट हिट। एंड ऑल्सो आई स्टिल रिमेंबर पापा स्टोरी सुनाया करते थे कपिल देव की, यू नो, वो पूरे एरा की कि कैसे वो सब हुआ था, तो आई थिंक वो जब देखने को मिलेगा दैट इज गोना बी वेरी, आई थिंक वो इंडिया प्राइड वाली फीलिंग, इट्स गोना बी एपिक या टू विटनेस दैट ऑन स्क्रीन, एंड दे हैव डन इट वेरी क्लोज टू द एक्चुअल हैपनिंग, सो वी गेट टू लिव इट अगेन आई फील। नहीं, मैंने पिक्चर तो अभी देखी नहीं, तो मुझे नहीं पता कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। आई एम वन ऑफ दोस्ट जो जाके डिस्कवर करना चाहता है। अगर हम वहाँ से बाहर निकल के आप लोग हुए तो जरूर बताएंगे कि कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। आई एम एक्साइटेड फॉर रॉजर बिन्नी एंड संदीप पाठी का कैरेक्टर, बिकॉज आई नो चिराग, एंड रॉजर बिन्नी का कैरेक्टर वाज लुकिंग इंटरेस्टिंग इन द प्रोमो इन द ट्रेलर, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दोस टू अपार्ट फ्रॉम द मेन ऑफ कोर्स। ओके, सो व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? I'm going to be silent about it. There are upcoming projects, but मैं अभी नजर बिलीव करने लग गया हूँ, so मैं बोलूँगा नहीं, but है काफी चीजें हैं। नजर की बात नहीं, but obviously you can't talk about till the time things are out. There's New Year's is going to be a very interesting phase. I hope so because there are some new podcasts and one short film coming. But उसके बारे में हम ज़्यादा बात कब कर पाएंगे जब वो रिलीज हो रही है। इसने बोल दिया इसका साल होगा तो मैं क्या ही करूँगा, नहीं बट आई मीन आई जस्ट होप दैट एवरीबडी इज सेफ दिस ईयर, वी गेट रिड ऑफ द वायरस, बिकॉज उसकी वजह से आपकी हमारी सबकी जिंदगियों में बहुत बदलाव आए थे विच वी डिडंट नो हाउ टू एडजस्ट विद,
So I just hope 2022 में COVID, Omicron, ये सब कुछ बंद हो जाए। New me वाला जो plan है ना COVID का वो खत्म हो जाए। Correct. Yeah. I just hope वो हो जाए. I just hope that एक ऐसा season आए जहाँ और Big Boss जहाँ पुराने contestants ना आए. I just hope एक ऐसा time आए जहाँ पे Okay, so Big Boss की ही बात की है तो Big Boss के बारे में क्या कहना चाहोगे? Big Boss अब कितना follow कर रहा है? This guy is following it regularly. I keep seeing your tweets and stuff. But देखो Big Boss ना देखते सब अरे let me finish. सब बोलते रहते कि हम नहीं देख रहे हैं हम नहीं follow कर रहे हैं. मैं तो नहीं देख रहा सब पता ही है. मैं नहीं देख रहा मैं सिर्फ colors की. I swear I don't. I just see the colors का whatever they upload on their Instagram. उतना ही I see. I've seen like Karan के clips, Pratik के clips and all. So I like Karan. Karan is like very close friend का good friend है वो. I really like Karan game and Tejasvi and Karan together. I like them both and apart from that Pratik is also good. So, sir, आप क्या कहना चाहोगे? क्या किस बारे में? मैं तो देख रहा हूँ sir. Because किसको ज़्यादा support कर रहा हूँ? मैं करण कुंद्रा को support कर रहा हूँ obviously because वो बहुत पुराना acquaintance है friend है and जब मैं अपना पहला show करने वाला था because कितनी मोहब्बत है I was casting लेकिन मैं 110 किलो का था तो मुझे उस show से हटा दिया गया और दूसरा show दिया गया but yeah we rehearsed for 2 months and he's a very sweet guy and मैं तो यही चाहूँगा गुरु जी Thank you so much. Thank you. Okay, so it's a day of 83. How are you looking forward for this movie? Well, very excited. 83 to hamare liye ek iconic moment raha hai. Ek proud moment raha hai har Indian ke liye. So 83 ko to koi bhool nahi sakta. So, of course, such a historic film. And then you have Kabir Khan, a name, a huge name associated. Looking forward to it. And of course, Ranveer Deepika coming back as a pair. So, really excited. I think just a lot of excitement. 83 हमने अपनी आँखों से तो नहीं देखा you know वो सारे moments और वो back stories तो I think यहाँ पर हमें वो back stories देखने को मिलेंगी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हमने अपनी आँखों से नहीं देखा है so yeah looking forward to it. Well see I've been a huge fan of Kapil Dev since I was a kid so I think I'm completely looking forward to Kapil Dev and of course I'm also looking at whoever's playing Sunil Gavaskar. Thank you so much. Thank you. Yes, I hear. So it's a day of 83. How are you looking forward to this movie? Cricket, Ranveer Singh, Kabir sir ki film aur 3.5 ghante ki film hai shayad. Ki ek journey jo humne 83 mein complete ki thi. Hum log paida bhi nahi hue the us samay to tha bhi nahi. Matlab is duniya mein nahi tha. लेकिन बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं यूट्यूब पे क्रिकेट मैच के आज पूरी मूवी देखूंगा जर्नी बायोपिक है और मैं चाहता हूं कि ऐसी बायोपिक बनते रहनी चाहिए हमारे इंडिया के कपिल सर ने जब वो स्कोर किया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में तो वो BBC स्ट्राइक पे था उस दिन और उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो मैच तो मैं वो मोमेंट देखना चाहता हूँ बाकी सब तो देखा है मैंने और वो लास्ट का मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम जो वो दौड़ते हैं विकेट को वो करने के लिए सो वो एक मोमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस कैरेक्टर रणवीर सिंह का कैरेक्टर की मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम देयर आर मेनी कैरेक्टर्स आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी कैरेक्टर श्रीकांत सर का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है और उसके बाद रॉजर बिन्नी का क्योंकि रॉजर बिन्नी ने उस हाईएस्ट विकेट टेकर थे उस समय उस वर्ल्ड कप में सो उनका जो जिन्होंने प्ले किया थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ जो भी मतलब इंस्टाग्राम या कहीं भी क्लिप जो देखते हैं ये देखो बिग बॉस के सवाल आते हैं देखो ये कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो सारे ही मतलब काबिले तारीफ में अच्छा खेला उन लोगों ने और अच्छा खेलने के अलावा ऑडियंस उनको पसंद करते हुए आई है तभी वो यहाँ तक आए हुए टॉप थ्री का नहीं पता लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब उमर ही जीत तो मेरे लिए टॉप थ्री होगा फर्स्ट उमर सेकेंड उमर थर्ड उमर मैंने उतना शो फॉलो नहीं किया है सच में बहुत छोटे छोटे क्लिप्स दिखते रहते हैं IGTV पे या फिर प्लस के साइट पे मतलब इंस्टाग्राम पे वही देखा है मैंने और उससे देख के आप कुछ जज नहीं कर सकते किसी को भी कि किसके बीच में क्या है कैसे है और कैसा लग रहा है कैसा नहीं दोनों ही दोस्त हैं मेरे और मैं चाहूँगा कि वो जल्दी घर से बाहर आए और फिर से हम एक बार मिलें और फिर से दोस्ती हमारी अच्छी हो
फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी ऐसा मूड नहीं है। बिग बॉस एक अलग ही गेम शो है, उसको करने के लिए आपको बहुत ही अलग तरीके का टेम्परामेंट, अलग तरीके का एक माइंडसेट चाहिए जिसमें मैं नहीं हूँ। पता नहीं एक्साइटेड हैप्पीनेस और क्या इसके अलावा क्या ही बोलूँगा, पॉजिटिवनेस। थैंक यू सो मच। तू कैसे लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हो 2020 में? पता मैं जब 83 रिलीज हुआ था वर्ल्ड कप, मैं पैदा भी नहीं हुई थी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि व्हाट इज़ द मूवी ऑल अबाउट और उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलती हूँ, देखती नहीं हूँ ज़्यादा, बट या आई लव टू प्ले क्रिकेट, सो आई एम एक्साइटेड टू वॉच द मूवी। अलग अलग लुक देखने को मिले तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना पसंद आया? वेल वो ऑलवेज ऐसे एक्टर रहे हैं कि हर फिल्म में उनका लुक बहुत अलग होता है बाकी एक्टर्स से। सो मैंने प्रमोशन के भी कुछ कुछ देखे हैं, उनके लुक्स बहुत अच्छे हैं। सो इन द फिल्म आई एम एक्साइटेड, आई थिंक उन्होंने जो कपिल देव का यू नो कैरेक्टर पिकअप किया है बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ही लुक्स जस्ट लाइक हिम एंड इज एक्टिंग जस्ट लाइक हिम। सो या वेल आई एम थैंकफुल फॉर देम क्योंकि मुझे टिकट नहीं खरीदनी पड़ी, अब देखने के लिए मुझे स्पेशल स्क्रीनिंग पे जाने मिल रहा है। सो या थैंक यू टू देम टू, थैंक यू। About the brand, yeah. Well, I think it's great, and frozen foods is like one of my favorite things. हमें हमेशा जब भूख लगती है, we'll always go and see कुछ जल्दी बनाने को क्या है, like Maggie. So that's it, and thanks for organizing this. And thank you. Future project. Sorry. It's fine. फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी तो एक रिलीज हुआ है, आप पहले जाके वो देखिए, मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया है दैट इज फॉर हिमेश रेशमिया, सो अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखोगे सो यू विल फाइंड इट देयर, एंड या फ्यूचर प्रोजेक्ट जब आने वाला होगा मैं बताऊंगी। न्यू ईयर के लिए ऑनेस्टली मैंने बहुत क्लोज प्लानिंग रखी है सिर्फ अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कोविड अभी भी है एंड यू नो आई थिंक हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, केसेस भी बढ़ रहे हैं। सो या स्पेंड टाइम विद योर क्लोज पीपल एंड मास्क पहनना। ओके, लास्टली फैन को विश कर दीजिए न्यू ईयर से। सो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मैरी क्रिसमस टू ऑल माय फैंस, थैंक यू सो मच मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।